रायसेन जिले में आज कलेक्टर अरविंद दुबे की उपस्थिति में कोविड-19 या अन्य आपात स्थिति में मरीजों के त्वरित उपचार हेतु जिला अस्पताल में क्विक रिस्पांस मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें मरीज को आईसीयू में दिए जाने वाले उपचार की प्रक्रिया को दोहराया गया। इसके बाद कलेक्टर अरविंद दुबे ने अस्पताल में ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि शासन द्वारा आपात स्थिति में उपचार सुविधाओं के त्वरित परिचालन हेतु सभी जिला चिकित्सालयों में रूटीन मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिपालन में जिला चिकित्सालय में आज मॉक ड्रिल की गई। यहां सभी व्यवस्थाएं बेहतर हैं। रायसेन से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट के निर्देश है। समय समय पर मौसमी बीमारियाँ फैलती हैं, इन्फ्लुएंजा और इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उसके लिए तैयारी रखी है। और चूँकि कोविड में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ विकसित हुआ है और उसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी सुचारू रूप से चलते रहे। सरकार के निर्देश पर आज चूँकि 12 से 14 तारीख के बीच में एक मॉनिटरिंग रखी जाने को, तो मॉनिटरिंग रखी गई है। और वो सारी जो कोविड के समय जिस तरह से मॉकड्रिल और जो भी उसका प्रोटोकॉल होता है उसके तरह उसको पालन कैसे हो सकता है, हम लोग रेडी हैं कि नहीं, सारे इक्विपमेंट वगैरह तैयार है कि नहीं, कभी भी कोई आकस्मिक स्थिति निर्मित होती है तो उससे निपटने की तैयारी है कि नहीं, इसके लिए मॉकड्रिल रखी गई है। तो जिला चिकित्सालय में भी आज मॉकड्रिल का आयोजन किया गया और ज़्यादा मॉकड्रिल में होता है कि एक एम्बुलेंस में पेशेंट आया, उनको आए कोविड के वार्ड में ले गए, वहाँ सारे इक्विपमेंट देखे, ऑक्सीजन वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका भी निरीक्षण किया।